अपने टीम के साथ हैं। पहले इनका जोरदार स्वागत करिए। और हमारी 19 बटालियन से भी हमारा स्टाफ हमारे साथ है, इनका भी स्वागत करें। विद्यालय के प्रांगण में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। खास तौर से ये विशेष क्लास आज आपके लिए इन्होंने खुद अरेंज की है, क्योंकि जो यंग कैडेट्स हैं या यंग स्टूडेंट्स हैं, युवा छात्र हैं, जिनके लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे एवेन्यूज हैं आर्म फोर्सेज में जाने के लिए, इंडियन आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में जाने के लिए, अग्निवीर के रूप में भी जो अग्निपथ स्कीम चली है उसके रूप में भी, और वैसे ऑफिसर्स के रूप में भी, दोनों तरह से आप लोगों को कई बार कई अवसरों पर इस तरह की जानकारियां दी गई हैं। लेकिन जडारो जो कि जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस है, वहां से डायरेक्टली अधिकारी आपके बीच में है, ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि वो आपको पहले जानकारी देंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कुछ भी ऐसा कि आपको पूछना चाहिए उस कैरियर, उस दिशा में आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये कैरियर ऐसा है जो कहीं ना कहीं हमें आकर्षित करता है। हम सब एनसीसी जो आप सब ने लिया है, हमने भी लिया था, तो उस समय कहीं ना कहीं यूनिफॉर्म आकर्षित करती है। तो यूनिफॉर्म खाली एक आकर्षण नहीं है कि हाँ ये फैंसी ड्रेस नहीं है कि बस पहन लिया और फोटो खिंचा ली सोशल मीडिया पे डाल दिया, ये एक जिम्मेदारी है। जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो, कंधे पे रैंक लगाते हो, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी देश आपको देता है। तो उस जिम्मेदारी को पूरा करने की जिसके अंदर कहा जाए वो आग है, वही इस लाइन में आगे आ सकते हैं। केवल कंफर्ट जोन से आप समझेंगे कि आपको इस तरह का लाइफस्टाइल मिल जाएगा, वो बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको लगातार लगातार काम करते रहना पड़ेगा, तब आप यूनिफॉर्म पर्सनल बन सकते हो। तो बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे अधिकारी मौजूद हैं। तो मैं मेजर गौतम कुमार वर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने व्याख्यान के। गुड मॉर्निंग गर्ल्स। गुड मॉर्निंग सर। कुल कर दो। मैडम बता दिया है, मेरा नाम मेजर गौतम कुमार वर्मा है। मैं आर्मी मेडिकल कोर्स से हूँ। मेरा क्वालिफिकेशन MBBS है और प्रेजेंट मेरा रैंक मेजर है। मैं जडारो से आया हूँ। मैं जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस बोलता है। जोनल रिक्रूटमेंट ऑफिस पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का पूरा कवर करता है रिक्रूटमेंट का बारे में, कैसे आर्मड फोर्सेस का अंदर आना है, एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, और NCC कैंडिडेट्स को क्या एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स मिलता है, उसी का बारे में जानकारी देने के लिए। आप लोग बेसिकली रेस्पेक्ट फॉर द ड्रेस, NCC में आप लोग ज्वाइन होता है, ड्रेस पहनने के बाद आप लोगों का एक फीलिंग आ जाता है अंदर, वो फीलिंग नॉर्मली किसी को नहीं आता। नॉर्मल सिविल ड्रेस पहन के जाता है, उसको क्या है तो जाके काम करना है, वो सोशल एक्टिविटीज देखना है, वो देखना है। बट एक ड्रेस पहनने के बाद आप लोगों का अंदर एक फीलिंग वो स्पार्क आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आर्मड फोर्सेस। इंडियन आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो, ड्रेस का मुताबिक है। ड्रेस कलर चेंज होता है बट ड्रेस पहनने के बाद एक स्पार्क होता है, उस पार्क का मीनिंग बहुत होता है। मेनली वो ड्रेस पहनने के लिए सभी को चांस नहीं मिलता है, उसके लिए ताकत कर मतलब एफर्ट लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है मैं ऐसा कर दिया एप्लीकेशन में ज्वाइन हो जाऊंगा कर, नहीं। इसमें मेनली डिसिप्लिन भी इन्वॉल्व होता है। ड्रेस पहनने के बाद आपको पता चल जाता है भाई मतलब डिसिप्लिन में रहना है, हार्ड वर्क करना है, तभी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। आर्मड फोर्सेस छोड़ो, लाइफ में भी आगे जाने के लिए वो मेन कारण होता है। मैं आज आप लोगों का कवर करूंगा व्हाट इज द एज क्राइटेरिया ऑफिसर एंट्री के लिए। मेनली आज एक्सक्लूसिवली गर्ल्स का NCC गर्ल्स का क्लास चल रहा है, उसके लिए मेनली एलिजिबल क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया क्या है ऑफिसर एंट्री में, और अग्निवीर एंट्री भी है, अग्निपथ स्कीम करके रिसेंटली आया है, और अग्निवीर एंट्री में गर्ल्स के लिए वुमेन CMP का एंट्री होता है। आज का दिन वुमेन CMP का एंट्री हो रहा है। मेनली फर्स्ट मैंने कवर करूंगा कमीशन्ड ऑफिसर्स इंडियन आर्मी का। मेनली इंडियन आर्मी में
ऑफिसर कमीशन होने के लिए आपका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, वो एंट्री कैसे होता है मैं बताऊंगा। पहले एनडीए, ये सबसे टॉप है पूरा इंडिया में, नेशनल डिफेंस अकेडमी में एंट्री होता है, दैट इज सबसे टॉप है, वो मेन के लिए वुमेन के लिए दोनों को भी एनडीए का एंट्री होता है। और ये है एनडीए पुणे में है, खड़कवासला में है लोकेशन। और एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया 16 से लेके 19 19 तक एलिजिबल क्राइटेरिया पर, एज एलिजिबल क्राइटेरिया है। क्वालिफिकेशन ऑब्वियसली 10th क्लास जो क्वालिफिकेशन है वो 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए एनडीए एंट्री के लिए। मैं अभी सिर्फ ऑफिसर एंट्री के लिए बता रहा हूं। और सेकंड चीज होता है एसएससी एंट्री, एसएससी नॉन टेक्निकल एंट्री है, उसका एंट्री मेन के लिए भी होता है, ओटीए चेन्नई में होता है एसएससी एंट्री। उसका एज क्राइटेरिया है 19 साल से लेके 25 साल तक एसएससी एंट्री है। और उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए कोई भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन, दैट्स व्हाई एज क्राइटेरिया बड़ा होता है। प्लस टू क्वालिफिकेशन के लिए 16.5 ईयर से लेके 1900 ईयर तक वो क्वालिफिकेशन है। बट आपको मान लो 10th इंटरव्यू हो गया, डिग्री भी कर लिया, उसके बाद भी ऑफिसर बनना चाहता है, ये है एसएससी एंट्री ओटीए चेन्नई में। और थर्ड एनसीसी स्पेशल एंट्री है, मेनली आप लोगों के लिए, मतलब बेसिकली एनसीसी स्पेशल एंट्री करके रहता है, वो भी ओटीए चेन्नई में रहता है करता है। उसका एज क्राइटेरिया है 19 साल से लेके 25 साल तक ऑफिसर एंट्री का, 19 साल से 25 साल तक। और क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट विथ 50% एग्रीगेट मार्क्स इन सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग ऑफ एनसीसी विथ मिनिमम बी ग्रेड इन एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम क्वालिफिकेशन। मेनली मैंने बोल रहा हूँ एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए, एनसीसी स्पेशल एंट्री मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एनसीसी स्पेशल एंट्री मैन एंड वुमेन ओटीए चेन्नई में होता है, ऑफिसर एंट्री है, और एज क्राइटेरिया है 19 साल से लेके 25 साल तक। आप लोगों का ये दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इसमें पूरा लिखा हुआ है, आप लोग कोई लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मलेट आप लोगों को देंगे। ये इसमें एज क्राइटेरिया होगा, क्या एंट्री है कमीशन ऑफिसर्स का क्या है, एडमिटेड सीएमपी का, वुमेन एमपी का क्या है, इसमें है, आप लिखने की कोई जरूरत नहीं, सुन ले रहा हूँ। आप लोगों का कोई डाउट है तो बीच में कभी भी डाउट्स आता है पूछ सकता है। और इसका मेन एज क्राइटेरिया है 19 साल से लेके 25 साल तक। और इसका क्वालिफिकेशन है ऑलरेडी आप मैंने पढ़ के सुना दिया, बी ग्रेड इन एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम मिनिमम सीनियर विंग डिवीजन। उसके बाद एसएससी जाग एंट्री है, बेसिकली जाग एंट्री आजकल रिसेंटली हुआ है, मान लो आप प्लस टू कर दिया, डिग्री एलएलबी ले लिया, एलएलबी के बाद भी ऑफिसर एंट्री इंडियन आर्मी में इंट्रोड्यूस हो चुका है, जाग एंट्री होता है, तो डायरेक्ट जाग ब्रांच में जाता है, एलएलबी पढ़ने के बाद ऑफिसर एंट्री जाग ब्रांच में जाता है, उसको बोलते हैं एसएससी जाग ब्रांच। उसका एज क्राइटेरिया है 21 साल से लेकर 21 ईयर से लेकर 27 ईयर्स तक। और उसका क्वालिफिकेशन है 50% ऑफ एलएलबी मार्क्स, 5% होना चाहिए एलएलबी क्वालिफिकेशन डिग्री होना चाहिए, उसमें 55% ऑफ मार्क्स फाइनल एग्जाम। और एसएससी टेक्निकल एंट्री है ऑफिसर एंट्री में, उसका एज क्राइटेरिया है 20 साल से लेकर 20 ईयर से लेकर 27 ईयर तक। और इसका क्वालिफिकेशन है बीई बीटेक, मान लो प्लस टू हो गया और बीटेक बीई भी कर लिया, उसके बाद भी ऑफिसर एंट्री करने के लिए ये है एसएससी टेक्निकल एंट्री। और आज का दिन हमारा इंडियन आर्मी में मेन एक स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ है, सबको पता होगा, सभी लोग देखा होगा न्यूज, क्या स्कीम है वो, अग्निवीर एंड अग्निपथ स्कीम, उसका बारे में मैं जानकारी दूंगा, ये क्या है अग्निवीर स्कीम और ये क्यों किया है, मतलब क्यों किया मतलब उसके तो बड़ा कारण होता है, बट ये क्या है अग्निवीर स्कीम, क्या है, कितने साल का है, पर ईयर का सैलरी कितना होगा, और उसके बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। ये अभी तक मैं ऑफिसर एंट्री का बताया, ये अग्निवीर का एंट्री है, अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस का एंट्री है एक्सक्लूसिवली फॉर द गर्ल्स। और उसमें
एज क्राइटेरिया है 17.5 से लेके 21 साल तक एज क्राइटेरिया है, इसमें एंट्री होने के लिए एज क्राइटेरिया बता रहा हूँ। मेनली ये अग्निवीर में एंट्री होने के लिए एनसीसी वालों का बोनस मार्क्स मिलता है, दैट इज एडवांटेज एनसीसी वालों का। क्या बाकी सिविल से आके एंट्री के लिए एग्जाम लिखता है और एनसीसी से आके एग्जाम लिखता है, फायदा टूवर्ड्स टू द एनसीसी कैंप, इसका बारे में जानकारी दूंगा अभी। अग्निवीर स्कीम का ये है, एक बार पढ़ लेना, 4 साल सर्विस का है अग्निवीर स्कीम में इंट्रोड्यूस हुआ है, 4 साल सर्विस का है। 25% ऑफ ईच बैच ऑफर्ड अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई फॉर एनरोलमेंट इन रेगुलर कैडर। बेसिकली ये क्यों किया, बेसिक इसका पहले अग्निवीर स्कीम का पहले का प्रोसीजर आप लोगों को बताऊं। एक बार सर्विस में आ जाता था और कंपल्सरी आप 15 साल 17 साल करके उसके बाद पेंशन लेके बाहर जाते। नो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसमें मतलब क्या हुआ था, मान लो आप आ गया इंडियन आर्मी में, आ गया ट्रस्ट पहन लिया, 4 साल काम करने के बाद आपको लगता है यार मैंने और बाहर जाके और कर सकता हूँ, ट्रस्ट देख लिया, पार्ट देख लिया इंडियन आर्मी का क्या होता है और मैं बाहर जाके और क्या कर सकता हूँ, सोच होने के बाद बाहर जाने के लिए कोई मौका नहीं आता। आज का दिन क्या किया है, आपको ऊपर छोड़ दिया, मान लो ड्रेस पहना आप, आपको अच्छा लगा, आपको परिवार में अच्छा लगा, आपको सोसाइटी में अच्छा लगा और ठीक है मेरा को मतलब हेल्थ ठीक है, हैप्पीनेस और लाइफ में ये दो ही चाहिए, फिटनेस ऑटोमेटिकली आ जाता है ड्रेस पहनने के बाद। बाहर वालों को इतना नहीं मिलता, बाहर वालों को सिविल ड्रेस पहन के आप लोग देखा होगा, कहा भी काम कर रहा हो, आईटी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो, इवन सिविल में डॉक्टर काम कर रहा हो, सभी लोगों को आप ऑब्जर्व करना, सभी मोटा दिखेगा, ओवरवेट दिखेगा, कोई फिटनेस नहीं है, वो हेल्थ के लिए ज्यादा खर्च कर रहा होगा, ठीक है घर पे परेशान क्योंकि लिए उसको स्टेबिलिटी नहीं है। बट आर्मड फोर्सेस ऑब्वियसली ड्रेस पहनने के बाद डिसिप्लिन आ जाता है, आप लोगों का एक मोटिवेशन आ जाता है, यार मेरा खड़ा मतलब मेरा पैर में मैं खड़ा हो सकता, ये फीलिंग बहुत जरूरी है। और ये अग्निवीर स्कीम में अभी 4 साल में 25% लोगों को रेगुलर कैडर में, मान लो आपका मतलब आप बहुत अच्छा काम किया है, आपका ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा किया है, आपका सर्विस 4 साल का सर्विस भी अच्छा किया है, उसी में 25% वालों का आगे रेगुलर कैडर मिलेगा। रेगुलर कैडर मींस परमानेंट कैडर पेंशनबल सर्विस वाला। नाउ उसमें एनसीसी वालों का बेनिफिट है, बेसिकली आप लोगों का तरतीब, आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में आर्मड फोर्सेस में कैसे सीनियर के साथ बिहेव करना है, कैसे कोलिंग के साथ बिहेव करना है, ऑलरेडी एनसीसी में आप लोगों का ऑलरेडी पता ही है। आप लोगों का स्मार्ट सिंपल एफर्ट लगाना है रेगुलर कैडर में जाने के लिए, बेसिकली उस टाइम एनसीसी का भी देखेगा कौन एनसीसी से अग्निपथ वुमेन सीएमपी पुलिस में आया है, मैक्सिमम कम परसेंट ही होगा, उसको ऑटोमेटिकली आगे रेगुलर कैडर में आप लोग कंटिन्यू करना चाहता है, आप रेगुलर कैडर में भी इजी आने के लिए चांसेस है। मेनली एनसीसी ऑलरेडी आप लोगों का क्वालिफिकेशन है, मोर प्रॉपर्टी आगे रेगुलर कैडर में लेने के लिए चांसेस ज्यादा है, दैट इज माय पॉइंट। और आगे जाने के बाद आप लोगों का 15 ईयर सर्विस है, 15 ईयर सर्विस के बाद आप लोगों का 15 ईयर सर्विस के बाद सर्विस खत्म हो जाता है, पेंशनबल सर्विस मिल जाता है। और फाइनेंशियल पैकेज है, कंपोजिट एनुअल पैकेज फर्स्ट ईयर 4.76 लाख है और एवरी ईयर बढ़ते जाएगा, फोर्थ ईयर 6.9। एक बार अलवेंस मान लो हार्डशिप अलवेंस भी मिलता है इसमें 4 साल में, 4 साल पैकेज के बारे में बात कर रहा हूँ, 4 साल में आप लोग हाई एल्टीट्यूड में मतलब ड्यूटी लगाता है, हाई एल्टीट्यूड मतलब 9000 फीट का हो उसका अलवेंस मिलेगा, कोई सियाचिन जाने के लिए वॉलंटियर करता है उसका अलवेंस मिलता है, एक हार्डशिप अलवेंस बोलता है वो पैकेज का बारे में। और सेवानिधि पैकेज है, सेवानिधि पैकेज मान लो 4 साल काम किया, 4 साल के बाद आपका मतलब रेगुलर कैडर में भी जाने के चांस है, ऐसा नहीं है 4 साल के बाद आप बाहर आ रहे हैं, उसमें सेवानिधि पैकेज करके 11.71 लाख आप लोगों का हाथ में पकड़ाएगा,
क्यों आप लोग फ्यूचर आउट कर सकता है, मान लो बाहर जाके आपको इनोवेटिव आइडियाज भी आया होगा सर्विस में चार साल में, अब बहुत सीखा होगा बाहर दुनिया क्या चल रहा है। मेनली ना आपको एक सोशल अवेयरनेस आ जाता है व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड ऑल ओवर वर्ल्ड। आप लोग इधर बैठ के सिर्फ लखनऊ में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारा सोच उधर तक रहता है। एक बार आप नेशनल लेवल में, आप सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल में, डिफेंस में एक बार आने के बाद आपका सोच बढ़ जाता है, आपका एक्सप्लोरेशन बढ़ जाता है। मान लो बाहर क्या हो रहा है, बाहर अदर कंट्रीज क्या कैसे कर रहा है, इंडिया के थ्रू कंपेरेटिव स्टडी क्या होता है, मतलब आप लोगों का एक नॉलेज आ जाता है, एक मेच्योरिटी आ जाता है। भाई चार साल के बाद ठीक है, रेगुलर कैडर में आ गया, 15 साल तक मैंने काम किया, पेंशनेबल सर्विस है, मैं मेरा पैर के ऊपर मैं खड़ा हो गया। और मान लो 4 साल के बाद आप बाहर गया सेवा देने की पैकेज ले, उसके बाद भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज लाइक ये है ऑलरेडी पे पैकेज है, फर्स्ट ईयर कितना है एक बार देख लीजिए, फर्स्ट ईयर कितना है, सेकंड ईयर सैलरी कितना है, थर्ड ईयर कितना है, फोर्थ ईयर कितना है, प्लस अलाउंस का मिला के। नेक्स्ट की अलाउंस का है सैलरी, नेक्स्ट ये बेनिफिट्स। मान लो आप रेगुलर कैडर में प्रॉपर नहीं हुआ, बाहर आने के बाद आप लोगों का सेवानिधि पैकेज ऑलरेडी बता दिया, इतना अमाउंट पैसा मतलब अमाउंट आप लोगों को प्रोवाइड करेगा, यू कैन डू व्हाट एवर, मतलब आप आगे प्रोफेशनल आगे करना चाहता है, आप आगे कुछ करना चाहता है। नेक्स्ट एडवांस्ड स्किल सर्टिफिकेट देगा, एडवांस्ड स्किल सर्टिफिकेट मींस इट इज इक्विवेलेंट टू मान लो 10th क्वालिफाइड अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस में क्लास 10वी क्वालिफिकेशन, क्लास 10 करके भी डायरेक्ट आप एंट्री हो सकते हैं एनसीसी के साथ। और स्किल सर्टिफिकेट आपको देगा इक्वली ट्वेल्थ कंप्लीट हो गया करके आपको सर्टिफिकेट देगा, मान आप बाहर आने के बाद यू कैन डू डिग्री डायरेक्ट, आप प्लस टू पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार अग्निवीर 4 इयर्स कर लेता है डायरेक्ट आप डिग्री जाने के लिए भी सर्टिफिकेट देता है। नेक्स्ट हाँ, अग्निवीर एंट्री होने के बाद बहुत मतलब नेगेटिव आया है, ये कैसे कर सकता है, पेंशनेबल सर्विस नहीं है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं आर्मी मेडिकल कोर का हूँ, आर्म्ड सर्विसेज का अंदर आता है, मेरा क्वालिफिकेशन MBBS है, मैं सिविल में MBBS किया हूँ, सिविल में किया हूँ, उसके बाद कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में 3 साल काम किया हूँ। मेरे को बाहर एनवायरमेंट पसंद नहीं आया, बेसिकली आप हेल्थ ले लो, फिटनेस ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, कोई भी चीज़ आप लोगों का क्या लाइक रहता है ना, वो बाहर नहीं कर पाता, आप लोगों का टारगेट देता है भाई इतना टाइम में इतना ऐसा करो, पैसा है तो कमा सकता है बट बाकी चीज बाहर मिलता नहीं है। उसके बाद मैंने मेरे को जानकारी मिला, अच्छा MBBS करने के बाद फौज में जा सकता है, फौज में आर्मड फोर्सेस में जाने के बाद आपको स्पोर्ट्स खेलने के लिए फ्री सैलरी दे के स्पोर्ट्स खिला रहा है, सैलरी दे के फिजिकल फिटनेस, बाहर सिविल वाला जिम में जाके तो पैसा दे के फिटनेस बनाता है, बट फौज में आने के बाद PT टाइम पे ठीक है, इट इज फॉर मतलब आवर हेल्थ ओनली। मैं एंट्री हो गया, मैंने लास्ट 10 ईयर सिकंदराबाद में काटा हूँ, मेरा यूनिट में 200 लोग हैं, AFC का आर्मेड मेडिकल कोर का 10th क्वालिफाइड और 12th क्वालिफाइड। फौज में आया 2-3 साल सर्विस है, 2-3 दिन सर्विस वाला बोलता है सर हम मतलब पसंद नहीं आया ऐसा बाहर जाना चाहते, परमानेंट में क्या प्रॉब्लम है, परमानेंट वालों का क्या प्रॉब्लम है, आप नहीं जाना चाहते, मतलब 15 साल तक आप कंपलसरी करना ही करना, वो क्या करेगा, मकरागिरी करेगा, काम नहीं करेगा, है ना। मेनली ऐसा केसेस आर्मड फोर्सेस में वो NCC एंट्री नहीं है, सिविल एंट्री बता रहा हूँ, NCC एंट्री कभी ऐसा नहीं करता है, NCC एंट्री का है, वो मतलब NCC ड्रेस पहन लिया उस टाइम से उसका बिहेवियर, उसका डिसिप्लिन, उसका तरतीब, उसका मतलब ड्रिल करना, ये ऑलवेज टॉप रहता है। मैं नॉर्मल सिविल से आया उसके बारे में पढ़ा, वो बाहर जाने के लिए मौका नहीं था। ऐसा केसेस इंडियन आर्मी में आर्मड फोर्सेस में बढ़ते गया तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मीटिंग रखा 2-3 साल रहे कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे रिजॉल्व करना है। ऑब्वियसली आपको फौज में आ रहा है लड़ाई करने के लिए लेके आ रहा है, और एक कम्युनिटी बनाने के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए लेके आ रहा है,
वही बंदा आके ऐसा कर रहा है, तो एक सोच स्टार्ट हुआ है भाई अग्निपथ स्कीम, अग्निपथ स्कीम लेके आएंगे, चार साल का है रखेंगे, चार साल में कैसे कैंडिडेट मतलब कोई भी आने के बाद कैसे कर रहे देखेंगे, उसके बाद हम आगे लेंगे 25%। पहले 100 कैंडिडेट्स को लेता था, 100 कैंडिडेट्स आगे रेगुलर कैडर में जाता था, आज का दिन क्या है 400 कैंडिडेट्स को ले रहा है अंदर, उसमें 25% आगे ले रहा है, फाइनली 100 को आगे ले रहा है ना, रेगुलर कैडर में 100 चाहिए हमको वैकेंसी, 100 मिल रहा है फाइनली, बट ऑब्वियसली 400 कर दिया, उसी का मुताबिक क्या है अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत 4 साल तक कम हो गया, और रेगुलर कैडर ऐसे भी 100 ही पहुंच रहा है फाइनली, टॉप बहुत अच्छा काम करता है 4 साल में आगे पहुंच रहा है ना, मेनली उसी का बारे में अग्निपथ की भारतीय वीर कंट्री मेनली इंट्रोड्यूस हुआ है इंडियन गवर्नमेंट, और ये है गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द अग्निवीर। मान लो 4 साल के बाद 4 साल किया, 4 साल के बाद बाहर आने के बाद रिजर्वेशन वैकेंसी पर अग्निवीर डिफेंस मिनिस्ट्री बोला है हम लेंगे 10%। बेसिकली ऑलरेडी वेपन ट्रेन रही है, वेपन ऑलरेडी ट्रेनिंग हो रखा है, आप लोगों का पूरा तरतीब पता है, उसका जनरल अवेयरनेस पता है, सोसाइटी के बारे में, ईच एंड एवरी रीजन के बारे में पता है, यू आर सिटिंग इन लखनऊ, यू मतलब यू विल थिंक अबाउट द आंध्र प्रदेश ऑल्सो, अच्छा उधर कल्चर कैसा है, सोसाइटी कैसा है, क्योंकि एक बार ड्रेस पहनने के बाद आप इंडिया का पूरा आपका होम बन जाता है, आपका एक अवेयरनेस जनरल अवेयरनेस हो जाता है, और उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर अग्निवीर्स में होम मिनिस्ट्री बोला हुआ है रिक्रूटमेंट से सीए पीएफ एंड असम राइफल्स में 10% दे देंगे, और स्टेट गवर्नमेंट भी बोला हुआ है पुलिस रिक्रूटमेंट में, मेनली पुलिस रिक्रूटमेंट में भी सेपरेट रिजर्वेशन, अग्निवीर से बाहर आया वो लोगों को स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है, और कॉर्पोरेटेड हाउसेस अंबानी से लेके सभी को सभी जगह में चाहिए, ऑलरेडी वेपन ट्रेंड वाला मिले तो वो भी अग्निवीर से बाहर आने के बाद वो भी लेने के तैयार है। नेक्स्ट गवर्नमेंट सपोर्ट पर अग्निवीर कंटिन्यू करें तो कस्टमाइज डिग्री कोर्सेज भी हैं, उसके बाद 4 साल मान लो वुमेन जीडी जनरल ड्यूटी का आप आ गया एनसीसी तो आप इसकी रेगुलर कैडर में आगे चले जाएंगे, मान लो एक तो पसंद नहीं है, सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है बाहर आके कुछ करना चाहता है तो गवर्नमेंट पैकेजेस दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेना। मर्चेंट नेवी में एम्प्लॉयमेंट है, इंडियन आर्मी मतलब नेवी में गया, नेवी में भी अग्निवीर है, एयरफोर्स में भी अग्निवीर है वुमेन्स के लिए, सभी के लिए मेन एंड वुमेन के लिए, और बाहर आने के बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मर्चेंट नेवी में है, और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सूटेबल रेट, मतलब इन फ्यूचर में आप लोग 10 साल आगे सोचे तो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट में 50-50% कितने 75% बाहर आया हुआ है, रेगुलर कैडेट छोड़ के 75% कैडेट बाहर आ रहा है, दे विल गो फॉर द ऑल ओवर इंस्टीट्यूशन, यू नेम एनी इंस्टीट्यूशन दे विल हैव मतलब प्रायोरिटी वर्क, दिस कैंडिडेट हमको चाहिए। नेक्स्ट अग्निवीर स्कीम का अभी आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका बारे में जानकारी है, ये मेनली रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में फर्स्ट ज्वाइन इंडियन आर्मी एक साइट है, इंडियन आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी साइट है, उस साइट में जाकर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन में आप नोट कर लेना, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ज्वाइन इंडियन आर्मी में लॉग इन करो, आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस चेक कर सकता है, आपका प्रोफाइल क्रिएट कर सकता है, आपका कैटेगरी है अभी चल रहा है रजिस्ट्रेशन विंडो अभी खुला हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन 22 मार्च तक अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है ज्वाइन इंडियन आर्मी में। ये है अग्निवीर जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस एंट्री का, वो ज्वाइन इंडियन आर्मी में आप साइट में जाने के बाद यू हैव एनी क्वेरीज उधर ऑलरेडी दिया हुआ है, ऑल क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, वीडियोज दिया हुआ है, हाउ टू रजिस्ट्रेशन इन इंडियन आर्मी ज्वाइन इंडियन आर्मी में कैसे करना है भी पूरा इंस्ट्रक्शन उसमें लिखा हुआ है ज्वाइन इंडियन आर्मी में।
उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन पहले एग्जाम लास्ट में होता था, फिजिकल, फिजिकल के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद लास्ट में एग्जाम होता था। आज का दिन ऑनलाइन सीई हो गया, ऑनलाइन में जाके ऑनलाइन सीई, पहले ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिजिकल मेडिकल टेस्ट एंड फाइनल मेरिट लिस्ट। ये दिस इज द स्टेप्स है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मेनली आप लोग देखना, ये ऑफिसर एंट्री का ऑलरेडी मैं बता दिया था, एनडीए एंट्री और जाग एंट्री, एसएससी वुमेन नॉन टेक्निकल एंट्री, एसएससी वुमेन टेक्निकल एंट्री और एनसीसी स्पेशल मैन एंड वुमेन का। अग्निवीर वुमेन वुमेन एमपी का देखना, एजुकेशन उसका हाइट एज और फिजिकल क्यूआर एंड एनसीसी, एनसीसी का बोनस सेम है सभी का। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है, 5 बोनस मार्क्स है, एनसीसी बी है 10, एनसीसी सी 20 मार्क्स बोनस मार्क्स है, एनसीसी विद आरडी ग्रेड 25 मार्क्स। नेक्स्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, प्रोसीजर है, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, क्या है, कैसे करना है, क्या क्या चाहिए, इसके देख लेना लिस्ट। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ऑल ओरिजिनल चाहिए, पहले ग्राउंड में मान लो ज्वाइन इंडियन आर्मी में रजिस्ट्रेशन कर लिया, ऑनलाइन एग्जाम भी लिख लिया, ऑनलाइन एग्जाम में शॉर्ट लिस्ट होता है, सिर्फ उसी कैंडिडेट को हम ग्राउंड में बुलाता है फिटनेस के रन के वुमेन का फिजिकल स्टैंडर्ड कर देंगे। हाँ 1.6 किलोमीटर का है, 8 मिनट का है, ग्रुप वन बोलते हैं, ग्रुप टू 7 मिनट 30 सेकंड का है ग्रुप वन, मतलब फर्स्ट आ जाता है वो कैंडिडेट को ग्रुप वन में डालता है, ग्रुप टू इज 8 मिनट 1.6 मेनली वही है, रन के लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, बाकी पूरा नॉर्मल ही है, सर्टिफिकेट लेके आना वगैरह ये सर्टिफिकेट इस पर देख लेना। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में ये बोनस मार्क्स है, और बोनस मार्क्स इन की एग्जाम में बोनस मार्क्स है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, इंटरनेशनल लेवल में है तो 20 मार्क्स है, ऑलरेडी एनसीसी का है तो बोनस मार्क्स ऑलरेडी दिखा दिया, ये है स्पोर्ट्स के लिए एक्स्ट्रा। थैंक यू। और इसी मतलब अभी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ये अगर किसी को एनसीसी का बेनिफिट बोनस मार्क्स का मिल चुका है उसको प्लस स्पोर्ट्स का भी अगर वो है तो वो भी मिलेगा, डबल मिलेगा। लास्ट ईयर नहीं लास्ट ईयर में, हाँ पहले अग्निवीर इंट्रोड्यूस हुआ था, पहले अग्निवीर इंट्रोड्यूस हुआ था, एनसीसी सी कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो पाया बट एनसीसी बी कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ। रीजन इज दैट अभी बोनस मार्क देख लेना 40, 30, 20 ठीक है। नाउ एनसीसी सी सर्टिफिकेट कैंडिडेट को 40 मार्क्स मिला है और एनसीसी बी को 30 मार्क्स मिला है, बट ये 30 मार्क्स के साथ स्पोर्ट सर्टिफिकेट है और उसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस में ग्रुप वन में आ गया और एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी हाई है, उसी कारण का वजह से सेम मार्क मतलब सेम एनसीसी सी बी है बट एनसीसी बी को मिला। ऑब्वियसली मतलब एक पॉइंट में नहीं होता है, पूरा फिजिकल फिटनेस भी है, फिजिकल स्टैंडर्ड्स है, हाइट होना चाहिए, हाइट ऑलरेडी दिखा दी 160 और आप लोगों का पॉम्पलेट भी देंगे उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है ऑफिसर एंट्री का कैसे होगा और आपका अभी रजिस्ट्रेशन खुला हुआ है वुमेन जनरल ड्यूटी एंट्री के लिए, उसको कैसे मतलब एंट्री करना है कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। इसमें कोई अप्लाई किया हुआ है? हाँ प्लीज।
ऑफिसर एंट्री योर हाइट इज 4'9" 4'9" के लिए तो और सर मुझे पूछना था कि जो हम सिलेबस होता है कि हम पढ़े क्या और एक मेंटालिटी कैसी होनी चाहिए हमें प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि मंदी वीर भी कर रहे हैं तो उसमें टेस्ट करने पड़ते हैं, तो वो किस तरह से वो कैसे करके करना चाहिए वो जाना, मतलब फिटनेस के बारे में सर, फिटनेस भी और सर सिलेबस भी तो हमें पढ़ना होता है एग्जाम के लिए। यस सर, एग्जाम के लिए आपका नॉर्मल 10th क्लास में क्या सब्जेक्ट है वही है, और एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज के बारे में है, और उसके बारे में मेरा स्टाफ और बताएगा आप लोगों का, मेरा स्टाफ और 5 मिनट 10 मिनट आप लोगों का बताएगा ये एग्जाम में क्या क्या चीज़ मतलब आप लोगों का पढ़ाई करना है, किस में कॉन्सेंट्रेट करना है और क्या क्या सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या कॉन्सेंट्रेट करना है, और फिजिकल फिटनेस कितने मिनट में होता है और क्या क्या है, ओनली रन नहीं है, उसके लॉन्ग जंप भी है, हाई जंप भी है, वो क्या क्या है मेरा स्टाफ अभी बताएगा। थैंक यू सर। और ठीक है, मैं अभी मेरे स्टाफ को हैंड ओवर कर रहा हूँ, मेरे स्टाफ आपका कोई डाउट है और भी बताएगा। ठीक, थैंक यू। टेंथ क्लास के लिए आपको WMP जीडी में रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 13 मार्च से और लास्ट डेट है 22 मार्च वुमेन मिलिट्री पुलिस, उसमें आपको 10% मार्क जरूरी है, 45% मार्क्स से नीचे तो आपकी एंट्री नहीं होगी, लेकिन हर सब्जेक्ट में 33% से ऊपर मार्क होना जरूरी है इस सब्जेक्ट और टोटल 45% तभी आपको जीडी में एंट्री मिलेगी वुमेन मिलिट्री पुलिस। उसके बाद आपका हाइट सामने बता दिया 162 सेंटीमीटर, रनिंग है आपकी 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में, जिसमें ग्रुप वन होगा 7.5 मिनट में जो एक्सीलेंट बोलते हैं इसको, और ग्रुप टू होगा 8 मिनट में। उसके बाद आपकी होगी हाई जंप 3 फिट, 3 फिट हाई जंप होगी और 10 फिट होगी लॉन्ग जंप। उसके बाद आपका जो भी फिजिकल क्राइटेरिया है वो हमारे MNS करते हैं वो करते हैं। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट, तो जो आपका ये एग्जाम होगा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीरीज जो होता है उसमें आपका इंग्लिश जनरल इंग्लिश, सेकेंडली आपको रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे सी, ये इसके कैटेगरी हैं। जी का कोई डाउट एनटीवी के अलावा भी कुछ सोचिए ऑफिसर स्टेटमेंट के लिए, हां ऑफिसर एंट्री पर एनटीवी स्पेशल एंट्री जो होती है उसका सिलेबस सर, एनटीवी स्पेशल एंट्री जो होती है उसका सिलेबस सेम है सभी का, एनसीसी स्पेशल एंट्री का सिलेबस सेम, पहले क्या होता था एनसीसी की क्वालिफाइड वालों का एग्जाम नहीं होता, सिर्फ जाके बैठ जाओ आपको फुल मार्क्स मिलेगा, बट अभी अभी मानो को कन्वर्ट कर दिया वो भी एग्जाम देना पड़ेगा आपको, फुल मार्क्स मिलेगा रिटर्न देना, एनसीसी स्पेशल एंट्री में नहीं है ना, नहीं एनसीसी WMP की बात, WMP का पास पहले एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम नहीं होता, लेकिन अभी से एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एग्जाम करते हैं उसका बोनस मार्क दे जाएगा आपको 20 नंबर, सिर्फ अभी वुमेन सीओपी का बारे में रिटर्न एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, उसका बोनस मार्क आपको 20 नंबर दे जाएंगे एनसीसी सी के, और एनसीसी पी का दिया जाएगा 10 नंबर और ए का दिया जाएगा 5 नंबर, और एनसीसी स्पेशल एंट्री ऑफिसर एंट्री है, एनसीसी स्पेशल एंट्री ऑफिसर एंट्री है, कोई कम्युनिकेशन स्किल्स है आपका जनरल नॉलेज होना चाहिए पूरा, मतलब इंडिया कंट्री के बारे में ईच एंड एवरी सिनेरियो के बारे में पता होना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफिसर का ही। कोई भी रिलैक्सेशन इंडियन आर्मी में होगा एयरफोर्स में, नेवी एयरफोर्स से कोई चश्मा वाला आता है तो टेक्निकल एंट्री में आता है, टेक्निकल ऑफिसर कमीशन ऑफिसर्स का वुमेन GD WMP है उसका 6x6 होना चाहिए चश्मा, प्रैक्टिकल के लिए कोई एंट्री नहीं है,
सिर्फ आपका है तो टेक्निकल एंट्री कर सकता है। आपका साइड कितना है? 6x36। हाँ, टेक्निकल एंट्री है, ऑफिसर एंट्री है, एसएससी टेक्निकल एंट्री, उसमें आप आ सकता है। उसके लिए तो 6x36 तक ला सकते हैं। एनडीए तो 6x6 एनडीए। यदि कोई रिलेशन से भर्ती देखता है जिसका फादर और मैं वो रिलेशन लगाता है, तो पहले उसमें छूट मिलती थी हाइट में 2 सेंटीमीटर की, रनिंग में छूट मिलती थी, लेकिन अब वो खत्म हो गया। अभी उसके बोनस मार्क कर दिए रिलेशन सर्टिफिकेट के लिए, बोनस मार्क कर दिए। जो पहले टाइम छूट थी हाइट में 2 सेंटीमीटर, वो खत्म कर दिया, तो बोनस मार्क रिलेशन वालों को सब चीज़ का बोनस मार्क है। और निचले स्तर से ऑफिसर स्तर तक कैसे जा सकते हो, उसका पूरा एक ओवरव्यू यहाँ पर आपको दिखाया गया कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करने हैं, क्या एज लिमिट है, तो आपने ध्यान रखना है। क्योंकि पहले भी जब एक बार कराया गया था, सर ने बताया 25 ईयर्स तक की एज है, तो 25 ईयर्स आपका अगर कम्प्लीट हो गया, उसके एक दिन पहले तक आपको अंदर एंटर कर सकते हैं पूरा मेडिकल इंटरव्यू वगैरह होने के बाद। अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई किया और जब तक आपको वहाँ ज्वाइनिंग मिली और तब तक आप 25 ईयर्स और एक दिन के भी हो गए, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। yes. ये पहले भी बताया गया था, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि बिल्कुल लार्ड इंडिया में जाके अपीयर हो रहे हो, क्योंकि वो प्रक्रिया में समय लगता है। रिटर्न से लेकर आपका पूरा क्वालिफिकेशन तक जब आपको एंट्री मिलती है आपकी ट्रेनिंग के लिए, उस समय तक आपकी एज का क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर एक भी दिन ऊपर हो गया, एक घंटे भी ऊपर हो गया, तो आप उस क्राइटेरिया से बाहर हो सकते हो। तो आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं। और अग्निवीर का, जैसे हम लोग पहले भी कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि अग्निवीर को लेकर जो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही कि ये अच्छा नहीं है, 4 साल बाद क्या होगा, एक कैरियर के लिए बड़ा संदेह की डाउट वाली स्थिति थी, तो वो सारी चीजें हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सर ने भी आज बहुत अच्छे से बताया, तो जो 4 साल आप वहाँ पर इतना टेक्निकली और हर तरह से ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट वहाँ पर आपका हो चुका, आप इतने क्वालिफाइड हो चुके हैं, ऑर्गेनाइज हो चुके, तो ऐसा ट्रेंड और ऑर्गेनाइज यूथ जो है वो हर इंस्टीट्यूशन को चाहिए होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर आपने एक्सेल किया है तो 25% के अंदर आप ऑलरेडी वहीं पर एडजस्ट हो जाओगे, और अगर आप वहाँ नहीं हो पाए तो आपने देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, ये सब आपको प्रेफरेंस देने के लिए तैयार बैठे होंगे, क्योंकि सबको वही चाहिए होता है कि कोई ट्रेंड और ऑर्गेनाइज ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास हो तो हम बेहतर काम कर सकता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए बहुत गुंजाइश है, हमारे बीच में सर एक बैठी हुई है कैंडिडेट जिसका अभी 19 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, बाकी वो क्वालिफाई कर चुकी है, वर्षा यादव, एक बार इसीलिए जोड़ना था। तो अच्छी स्कीम है, जो पहले भी हमारी ये मनु तिवारी आप सब उससे मिले हो जब वो बीच में आई थी, तो इतना ड्रास्टिक चेंज था उसकी पर्सनालिटी में कि पहले जब यहाँ से गई थी, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी सर वो, उसको तो एनसीसी का कोई बेनिफिट भी नहीं मिला था, अभी उसने कोई एग्जाम ही नहीं दिया था, तो अपने क्वालिफिकेशन के आधार पर ही गई विदाउट एनी बेनिफिट, तो ये एक अच्छी बात थी। और उसके बाद कितना चेंज है उसके अंदर, क्योंकि वहाँ का लाइफ स्टाइल ऐसा है, आर्म फोर्सेस का, एक इंडियन आर्मी का क्या लाइफ स्टाइल होता है, एक डिसिप्लिन लाइफ होती है पहली बार तो, और अपडेटेड नॉलेज कि आपको ऐसा नहीं है कि आप दुनिया से बिल्कुल अलग हो और एक केवल ग्राउंड पे आप अपने ड्रिल में मैदान में खड़े हो, क्योंकि आज की डेट में हर एक को खासतौर से इंडियन आर्मी भी बिल्कुल अपडेटेड है, आपको पूरी टेक्निकल जानकारी मिलेगी,
जहाँ तक उसकी बात है कि जनरल नॉलेज भी लाइब्रेरी भी बहुत रिच लाइब्रेरी है सब जगह पर, तो आपको बहुत चांसेस है, अच्छे अवसर है कि आप वहाँ रह करके यहाँ से ज्यादा नॉलेज अपनी इनहेंस कर सकते हो। तो इसलिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खासतौर से मैं आपका मेजर वर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि और आपकी टीम का कि आप लोगों ने यहाँ आकर के खुद से सामने से आकर के बच्चों के लिए ये एक अच्छा लेक्चर अरेंज किया। और हमारी 19 बटालियन से हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपक कुमार सर, उनका धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे SM सर मौजूद है अपनी टीम के साथ, एक बार 19 बटालियन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस एक मिनट रुकी कि अगर हमारी प्रिंसिपल रहती है और स्टोरी के बाद हम उसमें पूछा जाता है, एक उसमें पिक्चर निकाली गई है, उसमें स्टोरी बनानी है। अब स्टोरी बनाने में आधा गिलास पानी भरा हुआ है, काफी लोग कहेंगे क्या आधा खाली है और बाकी क्या कहेंगे इसका मतलब क्या है। जो आधा भरा है वो आशावादी दृष्टिकोण वाला है, इसमें भी देखना भी गुंजाइश है हमारे पास बहुत कुछ। और जो कह रहा है ऐसा, लेकिन हमको ऊपर वाले ने सोचने समझने की शक्ति दी है जो हमें सही गलत के बीच में भेद करना भी सिखाती है। तो थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखें। एक बार जोर से जय हिंद, जय हिंद। हमारे बीच में हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी आ चुकी है, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। आपको बता दूं हमारे बीच में जेडारो से मेडिकल रिक्रूटमेंट ऑफिसर मेजर वर्मा सर मौजूद हैं, जिन्होंने काफी जानकारी दी, इनकी क्वेरीज भी जो थी उनको भी शांत किया। सुबह से आपकी टीम आई हुई है और हमारे 19 बटालियन से सुविधा मेजर राजवीर सिंह सर और उनके साथ पूरी टीम आई हुई है और इन्होंने काफी जानकारी दी। और महाविद्यालय की प्राचार्य जी हमेशा ही NCC कैडेट्स को बहुत प्रोत्साहित करती हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मैम। आज आपका जो लेक्चर था जिसमें कि गौतम कुमार जी ने आपको आपकी क्वेरीज भी मैम ने कहा कि सॉल्व की, साथ ही साथ जो है आपको लेक्चर किस बात के लेक्चर तक कि मैं तो अभी आई हूँ अग्निपथ अपॉर्चुनिटी नाम सो दैट वॉज वेरी आई थिंक दैट दैट वुड हैव बीन अ वेरी यूजफुल लेक्चर टू आर प्रेजेंट हियर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि स्वागत तो मैम करनी छुट्टी होगी कि हमारे NCC कैडेट्स को आपने जो अभी या और भी जो अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं इस यूनिफॉर्म के साथ जो ये कॉलेज में और बच्चों से अलग रहते हैं तो इन ये अलग कुछ कर भी सकते हैं समाज में, तो इसके लिए आपने इनको बताया होगा, बाकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज उनके बारे में बताया होगा। NCC के और ऑफिसर्स जो कॉलेज में आज हमारे बीच हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एवं धन्यवाद है। और मैं मेजर मनमीत मैडम के इस तरीके के प्रयासों की हमेशा ही सराहना करती हूँ और उनके बच्चे बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं। NCC तो डिसिप्लिन सिखाता ही है पर उसमें भी डिसिप्लिन में रखना बहुत बड़ी बात होती है कि आज के जो यूथ हैं उसको कोई दिशा देना या कंट्रोल करना बहुत ही अलार्मिंग है क्योंकि आप बहुत चीज़ों से प्रभावित हैं, तो मीडिया, सोशल मीडिया, तो अब बुक्स से दूरी बनाते हैं तो बुक्स पे भी ध्यान दीजिए और ऐसे में आपको आपको मैटर कंट्रोल करके रखती हैं, तो ये बड़ा उनका सार्थक प्रयास उनके लिए एक बात आई। और इस तरीके के कार्यक्रम अगर कॉलेज में होते रहेंगे तो मुझे लगता है वो सभी के लिए बच्चों के लिए यूजफुल भी होंगे और बच्चे और अप्लाई करेंगे NCC के लिए क्योंकि
एनसीसी में नॉर्मली हर कोई स्टूडेंट चाहे और उसका एडमिशन यहाँ नहीं हो जाता है, क्योंकि जितनी भी सीट्स हैं, मैं तो ये चाहूँगी कि अगर सीट्स बढ़ सकती तो सीट्स बढ़ा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इच्छुक होते हैं पर उनको मिल नहीं पाता है एनसीसी। और मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा बच्चों को हम एनसीसी की ट्रेनिंग दे पाएंगे उतना ही डिसिप्लिन्ड यूथ जो है हम सोसाइटी को दे पाएंगे, जो कि सोशली भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, एकेडमिकली भी वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि बीए बीएससी बीकॉम हर जगह से बच्चे आते हैं और ख़ासतौर पर बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी, और मैं देखती हूँ हर बार बीएससी वाले बच्चे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, वो अपनी पढ़ाई में भी उतना ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं और उतना ही एनसीसी में भी। तो आप सभी को जितने भी कैडेट्स हैं जिन्होंने इस लेक्चर को अटेंड किया, आप लाभान्वित हुए होंगे, बहुत बेनिफिशियल रहा होगा ये लेक्चर आपके लिए। आप सभी को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने ध्यान से सुना। कैडेट्स बहुत ज़्यादा नहीं मिलता से देखो नहीं। आप लोग अपनी फ्रेंड्स को बताइएगा कि क्या आपने सीखा, क्या जाना, और हमारे यहाँ से जैसे दो बच्चे एडमिट में निकले हैं तो मैं चाहूँगी ये सभी का और ज़्यादा पढ़ने अभी गई और ये तो जा चुकी हूँ, तो ऐसे और बच्चे भी प्रेरित हूँ, क्योंकि एक दूसरे जब आपकी पीयर ग्रुप ग्रो करता है तो आप भी ग्रो करते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अच्छी बात है कि आप लोग इस तरह से जैसे मैंने कहा तो वाकई थोड़ा सा हुआ है आज के समय पर इकट्ठा करना, लेकिन जिनमें सिंसियरिटी है जो वाकई चाहते हैं कि अपने करियर को एक अच्छी दिशा देना, तो उनको मुझे लगता है स्वयं से खुद से वॉलेंटियर होकर के आते हैं, स्वेच्छा से यहाँ पर आते हैं, तो हमेशा आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। मैं अनुरोध करूँगी प्राचार्य जी से कि एक स्मृति चिन्ह आप मेजर वर्मा सर को दें, जो आपको याद दिलाएगा हमेशा। इसी के साथ 19 बटालियन से सुबेदार मेजर सर हैं और उनकी पूरी टीम है, मैं पूरी टीम को ही बुलाती हूँ। आप भी आ जाइए सर, आप फोटो अपनी भेज दीजिए। एक बार सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और एनसीसी गान के साथ अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी अपने स्थान पर कश्मीर।